अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल। और कल दुआ जहरा केस में कुछ नई अपडेट्स हुई हैं, कल कुछ नई गिरफ्तारियां हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि दुआ के वालिद जो हैं वो अब तक लाहौर में जो केस दायर था उसको जीत चुके हैं। तो हम बात करेंगे दुआ के वालिद से कि अब तक की दुआ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं उनके पास। और कल जो है वो एक बड़ा दिन है उनके लिए, डेफिनेटली कल कोर्ट में हियरिंग है और कल दुआ यहाँ लाई जा रही है या नहीं, इसके बाद का जो सिनेरियोज होंगे वो क्या होंगे, अगर कल जो है दुआ यहाँ नहीं लाई गई तो फिर में नेक्स्ट हियरिंग कब होगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुआ जहरा के वालिद, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि दुआ जहरा के हवाले से इस वक्त क्या अपडेट्स हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए इस वक्त दुआ जहरा के हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? माशाल्लाह आज अच्छी अपडेट्स हैं। आज जो हमारा केस जो लाहौर में था 18 तारीख को वो खारिज हो गया है, हमने ऑफिशियली सबमिट कर लिया है और बच्ची का जो 164 का बयान था वो भी खत्म हो गया है। ठीक है सर, कल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में भी बताइए हमारे नाजरीन को। जी, इस केस में कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, उनको आज उनके जो राहदारी रिमांड होता है वो जस्टिस साहब से वहां पे किया है। सर दोबारा अपनी बात को रिपीट करिएगा, आपकी वॉइस कट हो गई। जी मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा हाई कोर्ट में। इस सिलसिले में आज भी लाहौर में मजिस्ट्रेट से उनका राहदारी रिमांड ले लिया गया। ठीक है सर, फिर कल दुआ क्या कराची आ रही हैं? अभी तक दुआ नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अभी ये जो कुछ लोग इनको जो बड़े इम्पोर्टेंट इस चीज के अंदर जो मुलव्वस लोग थे पूरे ये जो ग्रोथ था वो लोग जो हाथ लगे हैं वो उन्होंने अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मदीन को जाहिर है कराची में उनको इंटरोगेट किया जाएगा आगे, तो वो लोकेशंस देंगे, उसके बाद बच्ची को रिकवर किया जाएगा। अभी तक बच्ची रिकवर नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, अभी तक नहीं है। कल सर बड़ा दिन है, कल 19 मई है और हियरिंग का दिन है, आपको क्या लगता है क्या फैसला आपके हक में आ रहा है? देखिए अगर हम सच पर खड़े ना होते तो लाहौर में भी आज हमारा केस खत्म ना होता। हमारा केस लाहौर में भी मतलब यही है कि दूसरी जो पार्टी है उसके पास जो केस था वो सच पे मबनी नहीं था। बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं बच्ची के। बच्ची को ये जो ताने बाने जा रहे हैं ये हवा की तरफ ही जा रहे हैं। बच्ची जो है जब फाइंड बच्ची मिल जाए आप लोग इसको ऑफिशियली देख लेंगे कि ये केस एक्चुअली में था क्या। मैं जो पहले दिन से स्टैंड ले रहा हूँ मेरा आज भी वही स्टांस है कि मेरी बच्ची को हुआ किया गया था और ये केस ऑफिशियली उस तरफ मुड़ रहा है। ठीक है सर, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आईओ यहाँ पर चेंज हुआ है जिस तरह निमरा के केस में हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है? जी नहीं, आईओ चेंज नहीं हुआ है। आईओ वही है, आईओ साहब माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है बच्ची की रिकवरी के लिए। ठीक है, ठीक है, अगर सर दुआ यहाँ आ जाती हैं डेफिनेटली आएंगी तो फिर उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के हवाले कर दिया जाएगा, कितने दिन वो वहाँ रहेंगी? देखिए उसके बयान पे डिपेंड करता है। अगर मैं मिसाल देता हूँ वो कल अदालत में जाकर अगर वो आ जाए और अदालत को सीधा सीधा वो ये बयान दे दे कि उसे हुआ किया गया था तो मेरा ख्याल है फिर तो केस ऑफिशियली बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बच्ची को मेरा ख्याल है कि उसी वक्त हमारे वाले वालदैन के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर वो कल नहीं आती और अगली हियरिंग के दरमियान में आती है तो डेफिनेटली लीगल वे ये है कि बच्ची उतने दिन चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाएगी जब तक बच्ची अदालत में आके अपनी अपनी आप किसी उसका अपना बयान नहीं बताएगी। ठीक है सर, कल एक हियरिंग है, इसके बाद अगली हियरिंग कब है, कब मुतवक्के है? ये तो कल अदालत पर डिपेंड करेगा, कल जो हियरिंग है उसमें अदालत ये तय्यन करेगी कि अगली हियरिंग कब होगी। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ मौजूद थे दुआ के वालिद और कल एक बड़ा दिन है, कल कोर्ट में समाअत है, कल हम आपको अपडेट रखेंगे, आपको बराह रास्त जो है वो इन्फॉर्म रखेंगे कि कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या फैसला आया है, क्या दुआ कराची लाई गई है या नहीं। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन अपनी होस्ट महक सुहेल को, तब तक के लिए दीजिए इजाजत अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।